हेलो मेरे आशिकों की टोली, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए दिल प्यार जज्बात के ऊपर कुछ लाइनें लेकर। आज मेरे दोस्त वैभव जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मोहब्बत के ऊपर मैं कुछ फरमाऊँ, तो उनके रिक्वेस्ट में मैंने मोहब्बत के ऊपर कुछ लिखा था। अगर आप रिलेट कर पाओ तो शेयर कीजिएगा। वो मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर है। मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोग को चाहते हो मैं आप लोगों पर कुछ लिखूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहब्बत और तबाही। मोहब्बत भी जिंदगी के सफ़र की तरह होती है, कहीं पे उतराव तो कहीं पे चढ़ाव होता है। मोहब्बत का सफ़र भी बहुत मुश्किल होता है, कहीं पे खुशी तो कहीं पे गम के साए मिलते हैं। मोहब्बत का सफ़र भी बहुत मुश्किल भरा होता है, कहीं पे खुशी तो कहीं पे गम के साए मिलते हैं। कहीं मिलन का संगम होता है तो कहीं जुदाई का आलम भी होता है। मोहब्बत कभी शीतल झरने के पानी की तरह तुम्हारे रोम रोम को खुशियों से भर देती है, तो कभी जलजले के आग की तरह जुदाई के दर्द में तुम्हें तड़पाती भी बहुत है। मोहब्बत तो किसी नाजुक से फूल को भी फौलाद बना सकती है। मोहब्बत तो किसी नाजुक से फूल को भी फौलाद बना सकती है। अपने महबूब के दीदार के लिए तड़पा भी सकती है और उसके बाहों की आगोश में मोम की तरह तुम्हें पिघला भी सकती है। मोहब्बत कभी दवा बनकर जिंदगी में आती है तो कभी नासूर भी बना जाती है। जैसे तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सवारा था, मेरे बेजान से जिंदगी में रंग भर दिया था खुशियों का। मानो तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे फिर से एक बार जिंदा किया था, पर तुम्हारी जुदाई ने मुझे तबाह भी कर दिया। बेरहम बना गई मुझे तुम्हारी बेवफाई, रास ना आई मुझे ये हर जाए। मेरे दिल को पत्थर सा बना गया तुम्हारी ये रुसवाई, और मोहब्बत मेरे लिए सिर्फ एक नफरत का नाम बनकर रह गया। इस दिल में जहाँ कभी सुकून के कुछ पल हुआ करते थे, आज राजस्थान की तरह एक बंजर जमीन बन चुका है तुम्हारे इंतजार में। शायद इसीलिए कहा गया है मेरे महबूब, मोहब्बत वो रोग है जो एक बार हो जाए तो अच्छे खासे इंसान को पागल बना जाती है। इसीलिए शायद मोहब्बत को तबाही भी कही जाती है। इसीलिए शायद मोहब्बत को तबाही भी कही जाती है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का एपिसोड आप लोगों को? अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मेरे साथ फीडबैक शेयर कीजिएगा, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की एक प्यार से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। हम स्पॉटिफाई में भी हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम हर प्लेटफॉर्म पे हैं। आप हमें कहीं पर भी फॉलो कर सकते हो और आपका प्यार हमारे साथ बांट सकते हो। सो वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, कि हम लोगों ने कुछ चेंजेस किया है रिसेंटली हमारे एपिसोड्स में। तो हम लोग लॉन्ग वीडियोज अभी महीने में सिर्फ दो लाएंगे, और शॉर्ट वीडियोज हर रोज लाते रहेंगे आपके लिए। आप लोग बताइए ये नया स्ट्रक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप लोग आगे क्या सुनना चाहते हो, ताकि हम वैसे ही एपिसोड्स आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू।